दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे ही हिंदी गद्य और हिंदी पद्य के जीवन परिचय। अगर आप उन जीवन परिचय को याद कर लेंगे तो उन्हीं जीवन परिचय में से आपके पास आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब वही जीवन परिचय आएंगे, क्योंकि मैं आपको तीन यहां पर जीवन परिचय बताऊंगा। तीन जीवन परिचय हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स बिना टाइम को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आप वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप जितना से ज़्यादा शेयर कर सकें आप उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और जो भी आपके फ्रेंड के बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो वे भी उनको देख पाएं, क्योंकि यार ये तीन नंबर का रहता है जीवन परिचय, तीन तीन छः नंबर हो जाएगा गद्य और पद्य का मिलाकर। तो आप इसको देख लिए। देखिए हमारा हिंदी गद्य में आपको मैं जो जीवन परिचय बताऊंगा सिर्फ आपको वही याद करना है, 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है आपका जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इनका आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा जीवन परिचय। उसके बाद आप पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। आप इतना अगर जीवन परिचय याद कर लेंगे तो इन्हीं जीवन परिचय में से आपके आने तय हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हिंदी पद्य में क्या है। हिंदी पद्य में जीवन परिचय जो हैं वे भी आप याद कर लीजिएगा, थोड़े बड़े पड़ जाएंगे हिंदी पद्य में लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए हिंदी पद्य में पहला हमारा सूरदास का जीवन परिचय। सिर्फ जीवन परिचय के लिए दो नंबर आते हैं, उनकी आपको जब कृतियाँ उनकी रचनाएं आपको लिखने आएंगे तब आपको एक नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर तीन तीन छः नंबर हो जाएंगे आपके। देखिए पहला है सूरदास, दूसरे हैं तुलसीदास, तीसरे हैं बिहारी लाल। अब देखिए सूरदास के जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा, तुलसीदास का जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा और बिहारी लाल का, क्योंकि इसमें से आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा आ जाए, लेकिन ये है कि इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि ये सब पहले से मतलब शुरुआती लेसन से तीन जीवन परिचय है तो इन्हीं में से आप याद कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।